तुम अक्षय सर से कुछ भी पूछो, अब तू भी अगली बार नहीं आते। देखो ये तो मेरे थंबनेल ढूंढने आया, क्या कहा अक्षय कुमार ने, साले हरा रहे हराम जादे। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो किया है वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हूँ कि होने वाला है, क्योंकि मैं एक जगह जा रहा हूँ एंड आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू मेक व्लॉग ओवर देयर और नॉट, क्योंकि यार एंड में मेरे को आगे एकदम शर्म आ जाती है। पर एक मस्त जगह मैं जा रहा हूँ, एक मेरे को गिग मिली है एंड आई वांट टू गो मीट समवन। मतलब इतनी सही जगह जा रहा हूँ, ये देखो शर्ट में घर से अलग से प्रेस करके लेके जा रहा हूँ, कभी ये सब हरकतें नहीं करता मैं। और मैंने कहा भाई आज थोड़ा सही जगह है, अच्छे से जाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा वड़ा पाके। तो लेट्स होप एंड लेट्स सी इफ आई एम एबल टू मेक व्लॉग ओवर देयर एंड इफ आई मेक व्लॉग भाई मजा ही आ जाएगा। जस्ट प्रे भाई की सही अच्छा चले जाए। भाई थोड़ा सा टाइम आ गया बीच में, 5 मिनट का हमें 15 मिनट का मिल गया, तो मैंने कहा जो काम करने जा रहे हैं वो तो होता रहेगा। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ वो तो होता रहेगा, पहले ही मैं हनुमान मंदिर के बारे में कचौड़ी ले आऊँ जरा। दोस्तों हम आए डिलाइट सिनेमा में, दिल्ली का वन ऑफ द ओल्ड। द सीन इज दिस दैट कोई और नहीं आया, सबसे पहले मैं ही पहुँच गया इवेंट होस्ट करने, मीडिया भी नहीं आया भाई। मेरे तो फटरी, अगर आप जाके देखोगे ना, शाहिद कपूर के साथ मैंने सिमिलर चीज़ करी थी। बेसिकली तुम्हें पता चल गया, ऐसे पता चल रहा है किसकी मूवी है, कुछ आइडिया लग रहा है हल्का लगेगी मक्की। बाकी पूरा चांदनी चौक का इंतजाम पूरा बना रखा है, सारे भैया अपने आए हैं। भैया कहाँ से आए, चांदनी चौक, सारे चांदनी चौक के बंदे अपने। भाई मैंने पहली बार इस तरीके से BTS बनाया है, अब मुझे पता नहीं कहाँ कैसा है, किस चैनल पे आएगा, आपको अच्छा कमेंट करना है। भाई अगर आप देखो तो वो देखो सामने पंखे लगे हैं, ये पुराने वाले पिक्चर हॉल जो होते हैं पंखे लगे होते थे, अभी वैसे AC प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे, ये आई थिंक उन लोगों ने फील के लिए रखे हुए हैं बस। डर लग रहा है प्रॉपर आज तो, एक्चुअली डिले हो जा रहा है ना उसमें और ज़्यादा हो रहा है। वो आ गया देखो भाई, उधर दिखाइए भाई, अक्षय कुमार आ रहा है। सो मच मैम, गाइस आई वुड रिक्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम द कैमरा टीम एवरीबॉडी टू सेटल डाउन। सारी मूवीज का सब कुछ मुंबई में होता, दे एक्चुअली एवरीबॉडी टू कैन एफर्ट टू कम टू चांदनी चौक, स्पेशली हमने चांदनी चौक में इधर आए हैं। जोरदार तालियां एक बार, पूरा चांदनी चौक का माहौल रहना चाहिए। एवरीबॉडी हाय सर, हेलो हेलो। चौक के अंदर गोलचा तो है ही है, अभी वो थिएटर बंद भी हो गए सर, हर एक को अपने हिसाब से लीचड़ लीचड़ नहीं सोचते बेटे। सर एक और बार तो आओ, आओ 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 सामने आओ, अगर तुम्हें बदनामी, मैं बता रहा हूँ मेरे को इन लोगों से आपने अपनी बहनों के आगे मुझे फिर से भूल गया ना तू, मुझे बिल्कुल भूल जाता है ये। आपकी बहन है अलका जी, आपकी और उनकी कभी ऐसे नोकझोंक वगैरह लड़ाई झगड़ा होता था खाने वाले को लेकर के, इन सब चीजों पे? नहीं खाने वगैरह के नहीं, खाने वगैरह को लेकर नहीं होती झगड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत झगड़ा हो गया तो चलता है। मेरी बहन, मैं वही डर गया, मेरे को सीधे एक तो लाके इनके सामने खड़ा कर दिया गया है। मेरा पहला सवाल भी अक्षय सर से कुछ भी पूछ लो, इन्होंने नहीं बोला सर, मैं कुछ भी पूछो तुम सर से, तो आनंद सर नहीं बोला था मेरे को, तुम अक्षय सर से कुछ भी पूछो, अब तू भी अगली बार जब पैसे मांगे कुछ भी मांगियो। सर वैसे ठीक ठाक मिल गए टिकट खरीद के यहाँ पिक्चर देखने आए थे हम लोग, आज ये क्राउड मुझे देखने आया हुआ है, हम सबको देखने आया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं यहाँ आना जाना काफ़ी रहता है, अभी भी मेरा घर चांदनी चौक में है, मैं वहाँ चुप करके रात को चला जाता हूँ, कभी मेरे मामा जी रहते हैं उधर, उनके पास बैठ के वहाँ से परांठे वाली गली से परांठे मंगा लेते हैं, और फ्रूट क्रीम मिलती है ज्ञानी जी की सामने, अपना गुरुद्वारे के सामने, शीशगंज के सामने, वो मंगा लेते हैं। नटराज के गोलगप्पे मिल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने आम की कुल्फी खाई है कि नहीं, आम के लोग भी कमाल हैं यहाँ चांदनी चौक। इट वाज वंडरफुल कमिंग बैक होम। ये तो थोड़ी चांदनी चौक की भाषा होगी। भाई हमने तो अपने 3 बंदों को हंसा दिया और उन्हें मजे मार लिए। मैम तू तो पूरा सारे सवाल इतने पूरी पत्रकारी है, देखा पूरी कौन से चैनल में टीवी में ठीक है। अरे वो बिल्कुल कर दूंगा रिपोस्ट, मैंने इंस्टा डिलीट करवाया आज में से, पूरा ये तो पूरा रट के आई थी लग रहा है, मेरे से अच्छा तो ये कर लेती है। दोस्तों मैं आपको इस बंदे से, क्या नाम भाई आपका? राजेश हिंदुस्तानी नाम है, ये भाई है जो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लेता है, ये भाई है। रफ्तार से रैप करी थी
भाई, अभी इवेंट करके आ गए। कुछ इवेंट होते हैं जो मनुष्य कर लेता है कुछ कारण, मेरे को तो लग रहा था एक्साइटिंग भी होगा, सब कुछ होगा। कभी आपके साथ हुआ है इन द मिडल ऑफ द इवेंट? चलते इवेंट में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर होता है कभी चलते इवेंट के अंदर बीच में ही इवेंट फ्लो ही चेंज कर दिया। तो सीन ये था, मुझे जाना था पहले, अक्षय कुमार वगैरह सबको आके बैठना था, दो मिनट बातें याद कर रहे थे आप, फिर मैं जाता स्टेज पे और अनाउंस करता सब अपने जो को करता। मैं गया स्टेज पे, कह रहे गौरव एक काम करो ट्रेलर प्ले कर दो, वो आएंगे अभी। मगर वो जो मेरे चुटकुले उटकले कह रहे हैं वो हो जाएंगे आप कर लो, वही एंड में करके आगे निकाल लिया। होता है पर कई बार भाई साहब, ये तो पूरा वही वाली गिग थी एकदम, जो होती नहीं कई गिग जिसके ऊपर बाद में जोक्स बनेंगे मेरे, जिसके ऊपर एक 10 मिनट का गिग सेट अपना और लिखूंगा, वेयर आई मेट अक्षय कुमार। दोस्तों घर से निकले थे अक्षय कुमार से मिलने के लिए, आप लोगों के लिए मैंने सस्पेंस भी बनाया कि अक्षय कुमार आए कि आज किसी से मिलने जा रहा हूँ, शर्ट प्रेस करा के यहाँ बता रहा हूँ मैं। कोई नहीं भाई, किसी ने कुछ शर्ट शूट को नहीं कट गया भाई यार, कोई बात नहीं दोस्तों, यही जिंदगी है, यही है, व्लॉग भी ऐसे होते हैं, कभी आपको जिंदगी में कटता है, कभी अच्छा होता है बुरा होता है। इन दोनों के साथ गया था, इन दोनों के साथ ही वापस आ गया, और एंड में रात को, और वो अभी तो उसके बाद वो था कि वो डिलाइट सिनेमा के ऊपर आके पूरा सबको देखेगा, वो मतलब वो भाई आ गए भाई, वो और भी होने वाला था, उससे पहले हम निकल लिए। बाहर बहुत भीड़ थी, इन दोनों को लग रहा था कि अरे हम कैसे निकलोगे, मैं भाई मुझे कोई नहीं जानता भाई। अरे भाई पर मजा आ गया, अच्छा इवेंट था, मजेदार था, पिक्चर आया तो आप लोग देखना और मुझे बताना कैसी है। जी मैंने देखा व्लॉग बनता, नोनू भी ना ज्यादा तेल लगाना शुरू कर देता है। क्या इसको भी होता है ना, इसका इसकी यो इमेज बन रही है ना, वाह यार कितना है इसकी वाली है ना, खूब काम पे काम करता है, लगा रहता है कॉलेज भी जिम भी। नहीं जा रहा बंद है, अच्छा ए बन गया, बिल बन गया, ए जीएसटी हरी नॉलेज है। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, कल के इवेंट के बाद आगे विकासपुरी अभी आया, कचौड़ी खा रहे हैं, बहुत सी मिलती है सुबह सुबह एक। रायते हो गया, रायता दे दो भाई, सही फूली फूली निकली ना। मैं बर्गर खा रहे बैठा, बनाया आज बर्गर, मैंने कहा बड़ा ही अलग सा स्वाद है, तो डिफरेंट टाइप का स्वाद है, मैंने घुमा के देखा तो थोड़ा करारा होगा, थोड़ी ना इसको करारा बोल कर करके खाला पूरा मुंह के अंदर। ये तो जिंदगी है, सवेरे अपने आप को गाली दे रहा था तू, डेढ़ कचौड़ी खा के आधी मेरे को दे रहे हैं। आ जाओ हो जाए, चलो भाई कौन जीतेगा, चार साले हरा रहे हराम जादे, जान लगा रही है, आ लगाओ तुम लगाओ, मम्मी तेरे पक्का आ रही है, मुंह की देनी भाई सारा तुम लोग सारा ले जाओ, ये काम है वो कर लो इधर, चल चल वो लेफ्टी है, वो भी तो राइट से लड़ रहा था। तभी तो मेरे में नहीं बनी थी उधर, हाँ मेरे में भी अभी गया। मेरी इंजरी हो जाएगी। ये तो हरा देता है। ओके गाइस दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, लाइक द व्लॉग देन सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई वो इवेंट वगैरह पे, जो जो भी करा खूब मजा आया, घर आके मजा आया। अभी आज एक काम से घर आया हूँ, वो मे बी नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, देखते हैं।